हेलो दोस्तों, आज दीपक सिंह हमें बताएंगे गन्ने के खेती के बारे में, साथ में फ़ायदे और नुकसान, और अंत में हम देखेंगे गन्ने की कटाई कैसे की जाती है बुवाई के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सब्सक्राइब कीजिए एग्री अबोर को, और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन को। जैसे कि दोस्तों, आज हम आए गन्ने की खेत में, जहाँ पर अभी गन्ना लगाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो नीचे, जैसे ये लाइन बाई लाइन लगाए गए हैं गुल्ले गन्ने के, जो एक खेत में से निकाले गए हैं, जिसका मैं वीडियो बाद में आपको लास्ट टाइम बताऊंगा किसान के फीडबैक के बाद। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक तंवर। दीपक जी, जो आपने गन्ना लगाया है, तो गन्ना लगाने का कारण क्या रहा आपका? गन्ने का यही कारण है, जैसे कपास खेती भी करते हैं सब, ये मौसम साथ नहीं दे पाता और इस कारण ख़राब हो जाते हैं। इसलिए गन्ने का ऐसा है कि मैक्सिमम एवरेज कम से कम एक बीघे का 200 कुंटल मिलता है, तो इसमें प्रॉफिट मिल जाता है। एक बीघे का अनुमानित 40,000 रुपये पर बीघे। जैसे एक बीघा मतलब कि एक एकड़ में डेढ़ बीघा होता है ना? हाँ, एक एकड़ डेढ़। क्योंकि बहुत से किसान ये नहीं जानते कि एक बीघा कितना होता है, तो एक एकड़ आने डेढ़ बीघा, और ये इसकी डेफिनेशन चेंज होती रहती है। जैसे मालवा में एक एकड़ आने चार बीघा होता है, पर यहाँ पे एक एकड़ आने डेढ़ बीघा। जैसे कि ये गन्ना आप जो देख रहे हो, और इसके बाद जैसे किसानों से बहुत बार सुना है कि हमने गन्ना तो लगाया, पर हमको वो कटाई के टाइम पे मजदूर नहीं मिल पाए, मशीन नहीं मिल पाए, तो ऐसी परेशानी आपको आई? वो रकबे के ऊपर है, अगर रकबा बढ़ता है तो ज़्यादा परेशानी आ जाती है, दिक्कत थोड़ी आती है। दिक्कत आती है, तो जैसे एक साल ऐसा था जो कि पशुओं को पूरा गन्ना खिलाया गया था, वो कंडीशन इस कारण बनी कि रकबा बहुत ज़्यादा गन्ने का हो गया था। रकबा ज़्यादा हो गया था, और उसके अलावा जैसे आजकल तो मशीन भी आने लग गए कटाई के लिए। अब दिक्कत नहीं है, मशीनें हैं। जैसे कि हम सामने गन्ना देख रहे हैं, तो इसमें ऊपर फूल आ गए हैं, जैसे कि आप देखोगे वीडियो में, तो इसका मतलब क्या है? गन्ना बूढ़ा हो गया है कि बीमारी आ गई है? नहीं नहीं, ये उम्र के हिसाब से आ जाती है। उम्र के हिसाब से, जैसे आपको क्लियरिटी तो नहीं मिलेगी, पर आप अनुमान लगा सकते हो, तो उम्र के हिसाब से। तो इसमें गन्ने का कुछ परेशानी है जैसे पोचा होना? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, वेट में कोई लॉस नहीं होता? नहीं, कोई कोई। और जैसे कि ये गन्ना जो आपने कटवाया है, हाँ, तो इसकी वेराइटी आप बता सकते हो कौन सी है? ये वेराइटी है अपनी 8005 है। मतलब कि आपको भी कंफर्म नहीं है कौन सी है? नहीं, 8005 ही है। 8005 है, और साथ में जैसे कि तरह तरह के गन्ना लगाए, जैसे कि एक जगह लगा सकते गन्ना गोला बना के, रिंग विधि से, फिर ये लाइन विधि से, फिर इनके पौधे भी मिलते हैं, तो बेनिफिट किस में रहता है किसान को? बेनिफिट देखें तो पौधा 2.5 रुपये का एक पौधा बना उगाया हुआ मिलता है, 2.5 रुपये एक पौधा। और अगर ये गुल्ला अपन लेते हैं, हाँ, तो ये 1.40 रुपये का आता है। 1.40 रुपये, इसमें 3 आग आती है। हाँ, इसमें से 3 पौधे निकल सकते हैं, और निकल सकते हैं, और दो आग के भी आते हैं। तो जैसे कि ये जो पौधा लेते हैं अपन उगाया हुआ, तो वो एक बीघा में आपके अनुमान से कितना लग जाएगा? एक बीघे में अनुमानित 5,000। 5,000 पौधे, मतलब कि आपने 3 रुपये के हिसाब से, ढाई रुपये पौधा, तो उसमें पहले से सब ट्रीटमेंट करा हुआ आता है? हाँ, वो ट्रीट हुआ आता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि नीचे भी कुछ राग जैसा लगा है, तो आपने कुछ ट्रीटमेंट किया है पहले? नहीं, इसमें कुछ नहीं, जो सिंपल जो खेत से काट के लाए थे वहीं लगा दिया, अब इसमें ट्रीटमेंट बाद में। नहीं, जैसे वो सामने हम देख रहे हैं, ये सुपर खाद। सुपर खाद देना पड़ता है उगाने से पहले? हाँ, उगाने। और पानी सिंचाई करना पड़ता है सूखे में? नहीं, सिंचाई उसके बाद ये मजदूरों से ढकवा लेते हैं, उसके बाद जो आपने ये खाद दिए, तो एक बीघा में कितने के लगभग दिए? 3 बोरी। ओके, जैसे कि आप देख रहे हो, इन्होंने कितने बीघा में टोटल लगाया गन्ना? ये चार बीघा में दीपक सिंह ने गन्ना लगाया है। और इसके फ्यूचर में जैसे आपको कमेंट आए, तो हम वीडियो भी बनाएंगे कि एक बीघा में कितना गन्ना निकला है लाइन विधि से। और ये सामने जो गन्ना है, जैसे ये देख सकते हो, ये अभी
कटने की प्रोसेस में। अब ये कितने टाइम लगेगा इसको कटने में? अब बस आज ये सीजन ही चल रहा है कटाई का, कटाई एक साल लगता है एक बार। और जैसे कि आप बता सकते हो कि गन्ने की फसल की पीरियड क्या रहता है, टाइम क्या रहता है कटाई का लगाने? कटाई लगाने दोनों को, और नवंबर में लगा भी सकते हैं और कटवा भी सकते हैं। तो एक साल पूरा लगता है, एक साल पूरा लगता है प्रोसेस में। और जैसे ये बोलते हैं कि जड़ी और तड़ी है, तो मतलब कि दो टाइम और रख सकते हैं? दो टाइम एवरेज के ऊपर रहता है वो, एवरेज टाइम आप रख। कभी सेकंड टाइम एवरेज अच्छा नहीं दिया, फर्स्ट टाइम एवरेज नहीं अच्छा दिया तो उसको निकाल सकते हैं, और सेकंड टाइम नहीं दिया सेकंड टाइम ऐसा आपको जब एवरेज कम निकलने लगे आप निकाल दो। और साथ में जैसे कि निकाल तो दिया, ऊपर ये जो बीज आप काट के लाए हो जिस खेत से, तो ये फर्स्ट टाइम का बीज है? जैसे कि ये गन्ना उगाया और इसकी सेकंड काटी है कि थर्ड? फर्स्ट टाइम वाला ही बीज ही अच्छा रहता है, अब सेकंड वाला यूज कर सकते? नहीं, सेकंड वाला। ओके, तो ये फर्स्ट टाइम का बीज ही आपको यूज करना है। जैसे कि किसी ने गन्ना लगाया है तो उसकी पहली काट को आपको बीज के रूप में यूज करना है। जैसे कि सर आपने तो गन्ना तो लगा दिया, तो कंपनी जो गन्ने की कंपनी उससे कुछ बेनिफिट मिलता है आपको? बेनिफिट ये जैसे बीज अभी उनके थ्रू आप उनको मिल जाता है। हाँ, उनके थ्रू। हाँ। तो पैसे वो गन्ने आप डिलीवर वो उसी टाइम मिल द्वारा, फिर अगले वर्ष कटाई में वो कट जाते हैं, उसका कुछ इंटरेस्ट और कुछ नहीं ऐसा है। तो किसान को आपको नगद देना पड़ता है कि नहीं? कंपनी देती है वो लगाने के लिए। अभी बीच में सुअर और ये परेशान करते हैं कुछ, तो उसके लिए आपने कुछ उपाय किए? अब सुअरों का ऐसा है कि फिर ये जाली लगाना पड़ सकता है, और नहीं जाली लगाए तो कुछ तार वार या कुछ जाली लगाना पड़ता है, और सिंपल तार लगा सकते हो? ओके, और इसके बाद जैसे कि अब ये सामने का गन्ना बता सकते हो? हाँ, चलो चलते हैं। सर हम देख रहे हैं गन्ने की फसल, ये कौन सी वेराइटी है? ये 238 238 इसके पास जाके देख सकते हो। ये मतलब कौन सा टाइम है, जड़ी है तड़ी है कि फर्स्ट टाइम? सेकंड टाइम जड़ी बोलते हैं। जड़ी बोलते हैं, तो इसकी मोटाई कम है कि अंदर मोटाई बढ़ जाती है? मोटाई कुछ गन्ने की कम भी रहती है, कुछ की बड़ी हुई रहती है वो। ओके, तो आपके अनुमान से ये कितना यूरिया दे देगी एक बीघा? ये कम से कम बीघे का 200 और ज़्यादा से ज़्यादा 300 हमारे अपने एरिया के हिसाब से 300। और कौन कौन सी वैरायटी रहती है कंपनी द्वारा? CO64 है, 8005 है, 50011 है, 86032 है ऐसा, फिर उसके अलावा 238 है। तो इस एरिया में ज़्यादा कौन सी चलती है? इस एरिया में 238 ज़्यादा चलती है। और कौन सी मिट्टी अच्छी रहती है इसके लिए? काली मिट्टी अच्छी रहती है, और पानी पर्याप्त होना चाहिए, पर्याप्त, और थोड़ा बहुत पानी कम भी हो जाए और बारिश हो गए तो उसमें भी चल जाता है। चलो, ये था किसान का फीडबैक गन्ने के बारे में, और इसके बाद आपको वीडियो बताते हैं कि इन्होंने कटाई करके कैसे गन्ना लगाया। इसके साथ ही है जैसे कि आप देख रहे हो इस वीडियो में कि मजदूर कटाई कर रहे गन्ने के बीजों की, चलो इनसे पूछते हैं गन्ने के बारे में। भैया आपका नाम बता दीजिए। महेश। जैसे कि आप जो गन्ना काट रहे हो, हाँ। तो ये किस हिसाब से काट रहे हो आप? बीघा के हिसाब से ठेके में काट रहे हो? हाँ, ठेके। तो इसमें आप लगाने का भी लेते हो, काटने का दोनों का ठेका? एक साथ बीघा में इतना लगाना है, इतने रुपए हमको चाहिए। ओके, जैसे कि आप गन्ना बता दीजिए कि किस हिसाब से कटाई होती है गन्ने की। जैसे ये इस टाइप से, तो इसमें आप आंखों का ध्यान भी रखते हो कि इतनी आंखें काटें? ध्यान रखना, ये बीच में से कटिंग होती है, इस ध्यान रखना पड़ता है, बीच में से कटाई होती है। और जैसे आप, तो ये आपका ग्रुप बना हुआ है क्या? हाँ, ग्रुप। तो आप, आपका निवास कहाँ पे? माखड़खेड़ा। तो प्रॉपर सब माखड़खेड़ा के कि आसपास के भी? सब माखड़खेड़ा के। जैसे आपका पूरा परिचय, जैसे एक ग्रुप का नाम भी होगा कि ऐसे सिंपल माखड़खेड़े के नाम से चलता है? हाँ, माखड़खेड़ा। ओके, और कोई का कॉन्टेक्ट नंबर आपका मिल जाएगा जैसे कॉन्टेक्ट कर सके हम
जैसे गन हाँ नंबर दिए नंबर ओके आज उनके नंबर है कि आपके नंबर ही है? ये मेरे नंबर ओके सब साथ में रहते मतलब साथ में रहते हैं और इसके अलावा और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे गन्ना लगाते हैं ये तो आने वाले खेत में आप गन्ना लगाओगे भी लगाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो गन्ने की गट्टी इसमें से वन बाय वन गन्ने के बीज निकाले जाते हैं। जैसे आप ध्यान से देखोगे तो इसकी तीन आँखें हैं। इसके बाद इसको लाइन बाय लाइन लगाया जाता है और लाइन बाय लाइन लगाने के बाद इसमें मिट्टी से बंद कर दिए जाते हैं और मिट्टी का ट्रीटमेंट पहले से ही सुपर खाद से किया गया है और इसके बाद इसमें सिंचाई की जाती है। सिंचाई होने के 2 से 3 दिन बाद इससे बीज निकलना चालू हो जाते हैं और 8 से 9 महीने के बाद इसमें पौधा पूरी तरह से पक जाता है जो कटाई के लिए तैयार है।